असलम एवरीवान क्या हाल है आप सबका आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल अटॉट बाई अलीना और आज के इस ब्लाग में मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ अपना लाउंज मेक ओवर क्योंकि काफ़ी अरसे से मेरा लाउंज जो है वो ड्यू था एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और मैं उसके लिए मुख्तफ़ चीज़ें कलेक्ट कर रही थी और आज फाइनली सारी चीज़ें मेरे पास कलेक्ट हो गई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक व्लॉग भी बनाया जाए और आप लोग को भी दिखाया जाए कि मैंने क्या चेंजेस करी हैं कुछ बहुत ज़्यादा खास चेंजेस नहीं हैं मगर स्टिल मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो माइंड में रखी हुई थी वो की हैं तो आइए आपको दिखाते हैं बेसिकली यहाँ पर अपार्टमेंट्स छोटे साइज़ के होते हैं और जो आपका लाउंज होता है वही आपका ड्राइंग रूम भी होता है तो आपको उसको काफ़ी प्रजेंटेबल रखना होता है एट द सेम टाइम उसको आपको काफ़ी क्लीन भी रखना पड़ता है और स्पेशली छोटे बच्चों के साथ अब वो सारी मदर समझ सकती हैं कि घर कितना जल्दी फैलता है कितने ज़्यादा स्टेंस लगते हैं चीज़ों पर स्पेशली आपके सोफ़ाज पर तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मेरा सोफ़ा है वो काफ़ी ज़्यादा डीप क्लीन मांग रहा था काफ़ी सारे इस पर स्टेंड्स थे स्पेशली जूस और पानी के क्योंकि वली जो है वो इसी पे बैठ के अपना खाना लेता है और उसके साथ साथ अपने जूसेस पीता है तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टेन्स हो गए थे तो मुझे इसको डीप क्लीन करना था और ये थे मेरे सोफा कवर्स जो कि मैंने ईबे से ऑर्डर किए थे ये बहुत अच्छे कवर्स हैं स्पेशली बिकॉज दे आर वाटर और इनका जो टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है क्योंकि ये वेलवेट के हैं और मैंने इनको ग्रे कलर में इसीलिए ऑर्डर किया था ताकि ये मेरे काउच के साथ भी मैच कर जाएँ और एक नेचुरल सा लुक दें तो जिन जिन के भी घरों में बच्चे हैं वो ज़रूर इन कवर्स को ऑर्डर कर सकते हैं इससे आपके सोफ़ाज़ या आपके जो भी काउचेज़ हैं वो बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड रहेंगे जस्ट आपको अपने नंबर ऑफ़ सीट्स देखने हैं जो भी आपके सोफ़ा के हैं और उस हिसाब से आपने ऑर्डर करना है मेरा एल शेप सोफ़ा है उसके अंदर सिक्स सीट्स हैं तो मैंने उस हिसाब से थ्री बाई थ्री के दो कवर्स ऑर्डर किए थे यहाँ पर मैंने अपना सोफ़ा बिल्कुल क्लीन कर लिया था इस वक्त थोड़ा सा ये वेट है इसको क्लीन करने के लिए मैंने एक मिक्सचर रेडी किया था जिसमें मैंने इक्वल पार्ट्स ऑफ वनीगर बेकिंग सोडा डिश वॉशिंग लिक्विड और वाटर को मिक्स किया था और उसको एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ के मदद से इस सोफे के ऊपर राउंड मोशन में अच्छे से रब किया था जितने भी स्टेंस थे वो सारे इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो गए उसके बाद मैंने इसे ट्वेंटी आवर्स के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दिया और उसके बाद मैंने उसके ऊपर ये कवर लगाया अब आप देख सकते हैं कि कवर कितना अच्छे से एडजस्ट हो चुका है यहाँ मैंने थ्री सीटर कवर लगाया हुआ है और बस अपने सोफे के शेप के हिसाब से आपने इसको एडजस्ट कर देना है यहाँ पर मेरी कारपेट मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ ये मेरी ओल्ड कारपेट है ये काफ़ी ज़्यादा स्टेंस इस पर आ चुके थे और इसका कलर भी काफ़ी ज़्यादा लाइट था जो कि मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी जिनके भी छोटे बच्चे हैं वो हमेशा डार्क कलर की कारपेट्स लें तो स्टेंस थोड़े बहुत तो छुप ही जाएंगे उससे आपके सिडनी में अपार्टमेंट्स में स्पेशली थोड़ा इशू होता है स्पेस का तो आपको अपना जो लाउंज है उसको इस तरीके से एडजस्ट करना होता है कि कोई आपका ड्राइंग रूम भी होता है और आपका लाउंज भी होता है और ज़्यादातर बच्चे बड़े सारे ही आपका जो मेन लाउंज एरिया है उसी में टाइम स्पेंड करते हैं तो उसको नीट एंड क्लिन और प्रजेंटेबल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो यहाँ पर मैं यही कर रही हूँ कि अपने जो लाउंज है उसको मैं इस तरीके से डेकोरेट कर रही हूँ ताकि वो मेरा एक ड्रॉइंग रूम भी बन जाए और लाउंज भी बन जाए और यहाँ वाली भी मेरी हेल्प कराने आ गए हैं कारपेट ओपन करने के लिए तो वली को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है जब भी मैं कोई चीज़ इस तरीके से बना रही होती हूँ तो वली उसको असम्बल करने मेरे साथ आ जाते हैं और ये है मेरी न्यू कारपेट और इस टाइम मैंने काफ़ी ज़्यादा डार्क कलर्स की ऑर्डर की है और ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी सामने से इसके जो कलर्स है वो और ज़्यादा खूबसूरत थे और उसका टेक्स्चर भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था यहाँ पर मैं अपने जो रिमेनिंग थ्री सीटर सोफ़ा है उसको मैं कवर लगा रही हूँ तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ कि किस तरीके से कवर आता है ये जस्ट एक बेड शीट के तरीके से ही जो इलास्टिक बेड शीट्स होती हैं वैसा ही कवर होता है और आपने इसको एडजस्ट करना होता है अपने सोफ़े पर अकॉर्डिंग टू इट्स शेप तो मैं यहाँ पर बस वही कर रही हूँ जल्दी जल्दी इसको जो है मैं कवर करी हूँ अपने सोफ़े को सोफ़ा कवर करने के बाद यहाँ पर मैं आ गई थी अपने कुशन कवर्स चेंज करने के लिए इन्होंने कुशन जो हमारे सोफ़ा कवर्स हैं उसके साथ मैचिंग के टू कुशन कवर्स भी हमें सेंड किए थे तो यहाँ पर मैं बस वही चेंज कर रही हूँ तो मुझे शुरू से बहुत ज़्यादा शौक है अपने घर को साफ़ रखने का डेकोरेट करने का और आई थिंक घर जो है एक ऐसी चीज़ है जो कि कॉन्सटेंट आपकी मैनेजमेंट मांगता है आपको मुसलसल उसको क्लीन करना है ऑर्गेनाइज करना ये नहीं है कि आपने जस्ट uh, एक वीक बाद या एक मंथ बाद उसको क्लीन किया और वो बस वैसे ही रहेगा इस्पेशली जो छोटे बच्चों वाले घर होते हैं वो तो आई थिंक दिन में तीन से चार दफ़ा आपको क्लीन करने होते हैं और उसको नीट करना होता है तो uh, यहाँ पर तो स्पेशली हमें सारे काम ख़ुद ही करने होते हैं तो टाइम का बिल्कुल भी नहीं पता चलता है और पूरा दिन बस कहाँ निकल जाता है Uh, बिल्कुल समझ नहीं आता लेकिन मुझे जो पर्सनली सफाई करने के बाद घर की और उसको डेकोरेट करने के बाद जो एक ख़ुशी और एक सेट्सफैक्शन मिलती है वो बहुत ही कम चीज़ों से मिलती है तो आई थिंक मुझसे काफ़ी सारी मदर्स uh, और गर्ल्स uh, रिलेट करेंगी कि क्लीन करने से जो एक uh, मज़ा आता है आपको वो और किसी चीज़ से नहीं आता है जब आपका घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो और वेल uh, डेकोरेटेड well हो वेल well मेंटेन्ड हो तो उससे एक अलग ही फ़ील आती है तो यहाँ पर मैंने कवर कर लिए थे uh, अपने क्वेश्चन और यहाँ पर मैं इनको अपने सोफाज पर रख रही हूँ ये आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत लग रहे हैं जो ये फ्लावर्स के क्वेश्चन कवर्स हैं ये मैंने IKEA से लिए थे और ये फिफ्टी बाई फिफ़्टी के हैं ये थोड़े बड़े साइज़ के क्वेशनस हैं और ये आप देख सकते हैं मेरा लाउंज जो है वो पूरी तरीके से डेकोरेट हो चुका है ये मेरे वेलवेट कवर्स हैं और साथ साथ ये मेरी न्यू कारपेट ये कॉफी टेबल जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाई थी ये मैंने एल से ली थी और ये कुछ डेकोरेशंस जो कि मैंने स्पॉटलाइट से ऑर्डर की थी तो ये है मेरा एक ओवरऑल मेकओवर आप ज़रूर कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा और यहाँ मैं फ़ेक प्लांट्स यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बच्चों के साथ रियल प्लांट्स नहीं यूज़ कर सकते मगर प्लांट्स यूज़ करने से आपका जो पूरा घर है उसमें एक बड़ा अच्छा सा नेचुरल सा लुक आता है और देख के आँखों को बहुत अच्छा लगता है ग्रीन तो मैंने काफ़ी सारी जगहों पर हैंगिंग्स और डिफरेंट तरीके के फ़ेक प्लांट्स यूज़ किए हुए हैं उसके साथ साथ मुझे लाइट्स के साथ प्ले करने का भी बहुत ज़्यादा शौक है तो यहाँ पर मैंने ये चिली लाइट्स यूज़ की हुई हैं और आप चाहें तो आप डिफरेंट किस्म के लैम्प्स यूज़ कर सकते हैं फ्लोर लैम्प हैंगिंग लैम्प्स या जो भी आपको अच्छे लगते हैं आप वो यूज़ करें और इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने पूरे घर को बड़ा ही ख़ूबसूरत बना सकते हैं यहाँ पर मैंने पेंटिंग्स के कॉर्नर में इस तरह से फेरी लाइट्स लगाई हैं तो रात में जब हम मूवी देखते हैं तो मैं इनको ऑन कर देती हूँ तो ये बड़ा अच्छा सा लगता है देख के तो ये है मेरा ओवरऑल मेक छोटी ओवर। छोटी चेंजेस से ही आपका घर बहुत खूबसूरत लग सकता है जस्ट आपको उसको नीट एंड क्लीन रखना है घर को डेकोरेट करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है पर उसकी जो मेंटेनेंस है वो असल टाइम एंड एफ़र्ट मांगती है तो आपने अपने घर को कोशिश करें कि डेली बेसिस पर ही उसको नीट एंड क्लीन रखें ताकि एक साथ बहुत सारा काम जमा ना हो जाए फिर वो करने के लिए बिल्कुल हिम्मत नहीं रहती है सो दिस इज़ टू व्लॉग प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फिर मिलेंगे अल्लाह हाफिज़